सिद्धार्थनगर जिले की राजस्व पुलिस और एसएसबी की टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारत नेपाल सीमा के सटे गांव से भारी मात्रा में खाद्यान्न बरामद किया है। बरामद किए गए ये खाद्यान्न तस्करी करने नेपाल ले जाने के लिए रखे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर की गई इस छापेमारी में 226 बोरे गेहूं और चावल के बरामद हुए हैं। एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई ये छापेमारी भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बॉर्डर से सटे पिपरहवा गाँव और उसके आसपास के तीन जगहों से की गई है। इस छापेमारी के बारे में एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्रा ने बताया कि मौजूदा समय में भारत नेपाल सीमा पर खाद्यान्न की तस्करी की शिकायत कई दिनों से मिल रही थी। इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मुखबिर की सटीक सूचना पर जिले की राजस्व एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर आज छापेमारी की गई। मुखबिर और एसएसबी की सूचना के आधार में आज राजस्व टीम, पुलिस टीम और एसएसबी की टीम ने कई जगह स्थलों पर हमने छापामारी की और जिसमें 226 बोरी गेहूं और चावल प्राप्त किया गया है। अभी इसमें किसी ने दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा शिकायत मिलती है कि साइकिल के द्वारा इसको नेपाल में तस्करी किया जाता है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमारी टीम पूरी सक्रिय है और इन सभी स्थलों को सीज कर दिया गया है और आने वाले समय में भी जहाँ भी तस्करी किया जाएगा उसके खिलाफ एक सघन अभी परीक्षण अभियान करके उस नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।